तो हेलो ग्रुप दोस्त, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यूज। तो भाई आज की वीडियो लिटरली ओपी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। यस, मतलब ये पूरी सीरीज चलने आ रही है और ये सीरीज में हर हफ्ते सर्वाइवल सीरीज का डलेगा, भले ही बीच में कुछ भी वीडियो आती रहे, लेकिन माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज हर हफ्ते आएगी, वो भी ट्यूजडे को ही। सो यार, अपना वर्ल्ड जनरेट हो चुका है एंड आई थिंक भाई मेरा ये लक पता नहीं कैसा है यार, कभी भी मैं स्पॉन होता हूँ तो पेड़ के ऊपर ही स्पॉन होता हूँ यार। मतलब मैं भी देखता आ रहा हूँ, मैं हमेशा पेड़ के ऊपर ही स्पॉन होता हूँ। तो यार इस वीडियो में हम लोग का पहले मेन गोल रहेगा एक तो विलेज फाइंड करना, एंड विलेज फाइंड करके एक नॉर्मल एनिमल फार्म बनाना। यस, क्योंकि खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ जो अपने को करनी चाहिए वो यही है, एनिमल फार्म बनानी चाहिए। तो सबसे पहले तो वुड तोड़ लेते हैं, जो उससे भी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वुड तोड़े बिना होता ही नहीं है माइनक्राफ्ट में कुछ। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना, क्योंकि रोज़ मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। अब मतलब हर संडे को लाइव स्ट्रीम होगी एंड ट्यूसडे को माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज पार्ट आएगा। तो या सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। अभी तो यार पेड़ तोड़ते हैं फटाफट से, एंड यहाँ से तोड़ो तोड़ो भाई। और देखो हाँ, मेरे से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में एडिटिंग में ये सब गलती हो सकती है, क्योंकि अभी मैं नया नया सीख रहा हूँ। बाकी कोई नहीं है, अभी फटाफट से तोड़ते हैं एंड देखते हैं फिर क्या होना है। एंड हाँ यार, मेरे को नहीं लगता यहाँ आसपास में कोई ज़्यादा विलेज होगा, क्योंकि यार ये पता नहीं कौन सी सॉम्प बायोम, पता नहीं यार कौन सी बायोम कहते हैं इसको, बहुत ही अजीब सी बायोम है। बाकी यहाँ भी फटाफट से पहले एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे आ गए अपनी एक क्राफ्टिंग टेबल, एंड क्राफ्टिंग टेबल को रखना है अपने को नीचे जस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पे अपने के आ जाएंगे एकदम टूल्स, ठीक है, मतलब टूल्स तो नॉर्मली टूल्स सही रहेंगे अपने को, जैसे कि स्टिक आ गए, एंड मैं सोच रहा हूँ एक बना लेते अपन एक्स एंड एक पिकेक्स, बस ये आ गए अपने टूल्स। एंड अभी फटाफट से तोड़ते हैं क्राफ्टिंग टेबल एंड चलते हैं आगे की तरफ। मेरे को लगता है ओके, आगे वो वाली बायोम भी है, डार्क ओक बायोम, डार्क जंगल, पता नहीं कौन सी जंगल वाली बायोम है वो। ना सामने हो गया, जैसे ये दिख रही है, यहाँ पे एक ब्लैक शीप थी इसको मार दिया, एंड हाँ वाइट शीप भी है। भाई साहब आज तो खाने का बहुत सही जुगाड़ हो रहा है। और यहाँ पे देखो, बेड बनाने के लिए मेरे को दो वूल चाहिए, मतलब तीन वूल चाहिए रहते हैं, लेकिन मिले दो, मतलब एक और मिला है ब्लैक कलर का, जिससे बेड बनेगा नहीं, मतलब किस्मत है अपनी बहुत अच्छी किस्मत। तो कोई नहीं, अभी तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड चलो भाई, खाना भी मिल गया बहुत सारा अपने को, जैसे कि ये पिग विग हो गए। मेरे को लगता है कि ये जो पिग हैं वो अपने बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। मतलब देखो पूरी बारात लेके आए यार पिग लोग। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, तुम लोग को पहले मारना पड़ेगा मुझे सारे। और कहाँ गए भाई, सब लोग निकल गया, इधर इधर तू भी। अच्छा ये फट, अरे लगा नहीं, एक शॉट, अरे यार एक शॉट में मारा नहीं, चलो कोई नहीं, ये लो अब मर गया। एंड इसको वन शॉट करते हैं, एंड इसके बच्चे, अब इसका कोई काम नहीं, वैसे तो ये खाना देता नहीं, लेकिन अब इसकी फैमिली मर गई तो अब क्या करेगा ये जिंदा रह के भी। पर कोई नहीं, यहाँ पे डार्क ओक लॉग भी हैं, तो ये भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये घर के डेकोरेशन में काम आ सकता है। तो यार इसको भी तोड़ लेते हैं। एंड देखो भाई, खाना पकाने के लिए मेरे पास कोल था नहीं, तो मैंने यूज़ कर लिया ये लकड़ियाँ। अब क्या करूँ यार, मैं गरीब हूँ। कोई नहीं, फटाफट से लड़की क्या है यार, जो भी है, लड़कियों को, लकड़ियों को जला देते हैं। एंड फटाफट से चलो अपनी एक स्टोन की पिकैक्स भी आ गई, और एक्स भी बना लिया मैंने नीचे ही स्टोन वोन माइन करके। और अब फटाफट से थोड़े से और ये तोड़ लेते हैं, आगे की तरफ को चलते हैं फिर। यार अब कब मिलेगा यार विलेज, में जब से ट्राई कर रहा हूँ कि विलेज मिले कहीं ना कहीं। तो चलो अभी सामान उठाते हैं, निकलते हैं आगे की तरफ को। तो यार अभी देखो मेरे को पम्पकिन दिखे हैं, इसका मतलब है कि अब पास में विलेज हो सकता है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है। तो इसको तो सबसे पहले निकला देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, क्योंकि पक्का नहीं है विलेज हो। एंड हैंग ऑन अ सेकंड क्रीपर, अरे देखो इसको डॉज, सॉरी भाई, मेरे को लगा था यार मैं इसको डॉज कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। पर कोई नहीं है, आगे चलते हैं देखते हैं। मेरे को लगता है यार विलेज आगे कहीं पे तो होना चाहिए, क्योंकि मैं देखा था, मैंने नोटिस भी किया है कि जब जहाँ भी पम्पकिन रहते हैं वहाँ पे रहता है वो। देखो वहाँ पे सामने ही विलेज है, मैं फालतू में शीप को मार दिया ये सोच के कि यार वाइट से मैं बेड बना लूँगा, पर अब अपने पास बेड की खदान आ गई है। तो चलो कोई नहीं है, फटाफट से चलते हैं अंदर। और मेरे को क्या लगता है कि यहाँ पे ही अपने को पहले रात बितानी चाहिए, एंड यहीं आसपास में मैं अपना फार्म भी बनाऊंगा। देखो अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट हो चुका है, जो कि था विलेज ढूंढना। एंड इसी के साथ यहाँ पे सुबह भी हो गई है। नहीं, हेलो बाय, हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई, हेलो। अरे मेरे को एक चीज़ करनी थी, क्या तो था, हैंग ऑन अ सेकंड, पहले तो अपन ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या उगा रखे हैं। तो एक गाजर है, मेरे को लगा आलू रहा। ओ हाँ, यही मैं कह रहा था, देखो यहाँ पे अपने को गोलम दिख रहा है, और इस गोलम को ही पेलना है अपने को। ये इधर आ भाई, तू इधर आ, रुक जा, तेरे को मैं बताता हूँ अच्छे से। भाई ये गोलम ने मेरे को बहुत परेशान किया है, बेडरॉक में खेलता था ना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में, जब खेलता था तो बहुत परेशान करता था, मैं मार ही नहीं पाता था यार इसको, बहुत हैंग करता था ना फोन में। बट अभी बताता हूँ, नोबड़े
देख रहे हैं ना भाई, अब तो गया। और अगर भाई अगर इसने भाई देखो मर गया, अगर इसने 5 आयरन दिए होंगे ना तो भाई बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। मतलब भाई ओ भाई 5 आयरन देगा, लक आज थोड़ा बहुत साथ दे रहा है। तो चलो फटाफट से अब अपने को क्राफ्टिंग टेबल निकालनी है एंड इसके पिकैक्स बना लेता हूँ, क्योंकि पिकैक्स एक बेसिक आइटम है जिससे अपन मतलब आगे की चीज़ भी और काम कर सकते हैं। बस यहाँ पे बन गई अपनी पिकैक्स आ गई एंड अब 2 आयरन बचे तो ना बकेट बनेगी। से काम करते हैं, जैसे बना लेते हैं शॉर्ट। ओके यस, शॉर्ट बना सकते हैं, जैसे क्रीपर वीपर आएंगे तो उसको उड़ा देंगे फटाफट। एंड अभी तो फिरते हैं आगे की तरफ। अब मेरे को क्या करना था, हाँ सबसे पहले तो मैं एक जगह ढूंढ रहा था कि यार जिससे कि जहाँ पे मैं अपना फार्म बना सकूँ। एंड उससे पहले यार थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखो कोल है, कोल चक लेते हैं, क्योंकि यार कोल इसलिए अगर मैं आयरन अभी माइनिंग करने जाऊँगा तो वहाँ पे कोल काम आ सकता है, लकड़ियों को कब तक यूज़ करते रहेंगे। तो यार चलते हैं फटाफट से, यहाँ पे बहुत सारा कोल है यार, यहाँ से भी उठाते हैं। एंड ये तो यार जब तक मैं कोल तोड़ रहा हूँ तब तक मेरे को तुम लोग और कमेंट में बता दो कि मतलब और कौन कौन से हमें गेम्स तुम लोग चाहते हो देखना, वो इसकी मैं सीरीज या वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है तो यार देखते हैं जरा क्राफ्टिंग यहाँ पे क्या है चेस्ट में। एंड ब्रेड मिला अपने को 7 ब्रेड और एप्पल, भाई साहब इतने सारे एप्पल मिल गए। और अभी तो फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ। एंड हाँ अब मेरे को क्या करना है मैं समझ गया, अपने को देखो सबसे पहले तो एक जगह थी वो मैंने फाइंड, तो जगह थी वो मैंने फाइंड कर ही लिया। तो अपने को करना है देखो, मेरे को बस तोड़नी है चीज़ें, मतलब क्या कहते हैं ये जो ग्रास रहती है उसको तोड़ना है। तो ग्रास तोड़ूंगा तो बहुत उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो मेरे हिसाब से अपने को आयरन फाइंड करना चाहिए। ठीक है, आयरन से क्या होगा वाटर बकेट बन जाएगी एंड उससे फिर अपन जल्दी जल्दी ग्रास तोड़ सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब है। होप कि तुम लोग समझ गए होगे, नहीं समझे तो अभी 2 मिनट में समझ जाओगे। बस मेरे को आयरन फाइंड करना है। यहाँ पे कॉपर दिख गया है लेकिन यार मैंने टॉर्च भी पकड़ लिया हाथ में जिससे कि दिखाई दे मुझे, क्योंकि दिखता तो नहीं इधर। भाई कितनी बड़ी है, क्या है यार इतना बड़ा केव। और अभी हाँ मैं अभी 1.19 में खेल नहीं रहा हूँ तो इसलिए शायद वार्डन होगा नहीं इसमें, तो इसमें है इसमें मतलब 1.18 में खेल रहा हूँ तो वार्डन नहीं है। यस सो वहाँ पे मेरे को आयरन तो दिख गया, अब यहाँ पे लगाते हुए जाना है मेरे को थोड़ा बहुत। आ जाओ यहाँ पे लगा ये एंड ये यहाँ से लगते जाएगा। भाई यार ये बहुत ज़्यादा इजी है भाई, मेरे को लगता है ये जावा एडिशन में खेलना, मतलब सच्ची में देखो ना कितनी इजीली होता है सब कुछ। अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, होप मैं बता रहा हूँ जो। तो यार अभी वहाँ पे आयरन है तो अब आयरन को मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, अपन क्या करेंगे जो हे बेल है उधर पे एकदम मतलब कूदते ही साथ रखना है। जैसे कि देखो ड्रीम क्लच करता ना वो वाले क्लच करने जा रहा हूँ मैं, तो 3 2 1 यहाँ से कूदा एंड अबे नहीं 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 भाई मार रहा नहीं, ओए व्हाट। चलो कोई नहीं, अभी फटाफट से मैंने यहाँ से आयरन भी उठा लिए हैं, अब मेरे को बस सीधे बाहर निकलना है। पहले मैं थोड़े से और स्टोन ले लेता हूँ क्योंकि इससे ना मेरे को ब्रिज करके जाना पड़ेगा। एंड हाँ ब्रिज करने के लिए मैं यही सोच रहा हूँ कि स्टोन उठा लें। एंड यहाँ पे एलिवेटर है यार, मेरे को कोई उठाने की ज़रूरत ही नहीं, ये किसने बनाया मतलब ये नेचुरली जनरेट हुआ है शायद। सो यहाँ से एक MLG करते हैं छोटी सी एंड आते हैं यहाँ पे। भाई ये तो सही हो गया, मतलब कभी भी ऊपर नीचे जाना पड़ेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है, मैं ऐसे कर सकता हूँ इजीली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलो यार फटाफट से ऊपर चलते हैं एंड ये आ गया रास्ता, आ जा ये तो यहाँ से निकल गए अपन एंड फटाफट से अब चलते हैंगे कहाँ चल सकते हैं। हाँ सो अब मैंने बताया था जैसे कि बकेट बनानी है, तो अब फटाफट से पहले तो चलते हैं ऊपर क्योंकि बकेट। सो फटाफट से ऊपर आ गया हूँ मैं, अब अपने को कुछ नहीं करना है। ये ग्रास जो मैं कह रहा था ना, ये ग्रास तोड़ने के लिए ऐसे तोड़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, वाटर बकेट से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो अभी तो सबसे पहले अपन को रखना है फर्नेस एंड फर्नेस में एंड कोल डालते ही साथ अपने को डालने हैं अपने आयरन जो स्मेल्ट होंगे एंड तब तक अपन क्या करें। हाँ हेलो हो भी गया एंड अब अपने को कुछ नहीं करना है, बस वाटर लूटने जाना है। एंड वाटर, हेलो वाटर वेयर आर यू, ये लो यहाँ पे वाटर भी मिल गया यार, मतलब विलेज। देखो मैं इसलिए कह रहा था विलेज ढूंढ लेंगे ना तो अपना आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो ही जाता है। एंड मेरे को देखो यहाँ पे अब वाटर बकेट बन गई। अब देखो मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, ये देखो ऐसे जैसे ही मैंने रखा ये सारी चीज़ें टूट जाएंगी और इससे अपना वीट फार्म बनाने में भी मदद हो सकती है क्योंकि ये सीड मिलेंगी एंड अपन उससे वीट फार्म बना सकते हैं। वेट यार तू इधर क्या कर रहा है दोस्त, रुक जा तेरे को बताता हूँ दोस्त, ऐसे नहीं आते यार। ये पड़ा एक और, रुक जा तेरी ऐसी, रुक जा ये ले बस, ये हो गया ख़त्म अपना यहाँ पे। एंड देखो मैंने इतना एरिया क्लियर कर लिया है, और थोड़ा सा करके एकदम इसको प्लेन बनाता हूँ एंड मैं मिलता हूँ तुम लोग से 2 मिनट। यहाँ पे फटाफट से मैं पेड़ तोड़ लेता हूँ क्योंकि फेंसेस बनानी आएंगी, मतलब एकदम बेसिक फार्म बनाएंगे इसलिए फेंसेस। ये देखो यहाँ पे ऐसे फेंसेस आ जाएंगी एंड आई थिंक और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यार, एकदम बड़ा
होना चाहिए, क्योंकि फार्म छोटा रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। एकदम फुल फार्मिंग करनी है अपने को, खेती बाड़ी करनी है। सो या इतना इनफ है, एंड इधर से अब इसको आगे करते हैं। तो देखो, मैं टोटल दो फार्म बनाने वाला हूँ, एक रहेगा शीप एंड काओ का और एक रहेगा अपना पिग का। यस, क्योंकि देखो शीप और काओ एक जैसा खाना खाती है और पिग एक पिग के जैसा शायद ही कोई खाना खाता है, पता नहीं। तो यार यहाँ पे देखो, मैं अभी सो के उठा हूँ एंड देख सकते हो तुम लोग वहाँ पे सामने अपना विलेज जो दिख रहा है, फार्म जो दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा एपिक लग रहा है। मेरे हिसाब से लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा हो गया है, पर पता नहीं, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, मतलब राइट वाला बड़ा है या लेफ्ट वाला बड़ा है। मेरे को लग रहा है लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा है। चलो यार, यहाँ पे पिक भी आ गया, अपना लास्ट काम है ये पिक को लाना एंड, और पिक को यहाँ से फटाफट से ट्रैप कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। एंड अब मुझे चाहिए है काओ, और मेरे को सामने काओ देख भी रहे हैं, तो लेट्स गो। हेलो काओ, काओ माता आ जाओ, आपकी हम फार्मिंग करेंगे, उसका दूध निकालेंगे एंड बहुत सारा पैसा कमाएंगे। आ जाओ, एमरेल्ड होंगे, आ जाओ आ जाओ जो 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 आ जाओ भाई। अरे तेरे को नहीं खानी क्या वीट? आना भाई, आ जाओ कोई नहीं, आ जाओ, सब लाइन में आएंगे, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करना है इधर पे। धक्का मुक्की जो करेगा वो बहुत गंदा पिटने वाला है, तो कोई भी यार तुम लोग को खाना नहीं है क्या भाई, वापस क्यों जा रहे हो? आ जाओ ना, आ जाओ, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, कोई को भेदभाव नहीं होगा। आ जाओ आ जाओ 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 यहाँ पे। एंड भाई मेरे हिसाब से आएगी अपना फार्म, लो लेट्स गो। एंड यहाँ पे अपने को एकदम बीच की फेंस तोड़नी है, आई थिंक यही वाली होगी, तो इसी को निकाल देते हैं एंड फटाक से ये निकल गई। एंड अब लगा देते हैं इधर पे फेंस, बताओ यार ये फेंस गेट भी गलत लग गया, कोई नहीं, इसको फटाफट से चेंज करते हैं। एंड ये आ गया अपना फेंस गेट ऐसे, अब इसको खोलो एंड आ जाओ भाई, सब लोग अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे कितनी चोमू गाय है भाई, अटक क्यों रहे हो, आ जाओ ना यार। वो देखो भाई उधर ही पे खड़े हुए हैं, क्या पागल हो क्या भाई, आओ ना, उसको तो जाने की भी जल्दी हो गई। चलो इसको मैंने खिला दिया, अब शायद ही अंदर आ गए, ओके सारे आ गए अंदर। एंड अब मेरे को फटाफट से बंद करना है जाके जस्ट लाइक दिस। अब इधर ही मैं इन लोगों को खाना भी खिला देता हूँ, यार बहुत भूखे होंगे। चलो यार इन लोगों ने खा लिया, एंड मेरे को एक एडवांसमेंट मिली है, द पैरेट एंड द बैट। भाई ये कौन सी एडवांसमेंट है, मैंने पैरेट एंड बैट। तो आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही, मेरे को तो बहुत मजा आया, होप कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। बाकी हाँ, मेक श्योर टू लाइक एंड मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, और तुम लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए मेरे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज में। ये वर्ल्ड जितना ही खूबसूरत दिखता है ऊपर से नीचे से उतना ही ज्यादा खतरनाक है, तो उसके अंदर भी अपन जाने वाले हैं।